हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास। तो आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास मूवी का टाइटल सॉन्ग है ये, और अरिजीत सिंह ने इस सॉन्ग को गाया है, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आज ही रिलीज हुआ है, तो इसी सॉन्ग को हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉर्ड सीख लेते हैं, कौन सी कॉर्ड्स इसमें यूज़ हुई है। तो इसके पहले बार कॉर्ड्स में बता देता हूँ। अगर आप बार कॉर्ड्स में प्ले करना चाहें तो सिर्फ तीन कॉर्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट सी शार्प माइनर, नेक्स्ट ए मेजर, और नेक्स्ट बी मेजर। सिर्फ ये तीन कॉर्ड्स हैं, सी शार्प माइनर, ए मेजर और बी मेजर। ठीक है, अगर आप बार कॉर्ड्स प्ले नहीं करना चाहते, ओपन कॉर्ड्स प्ले करना चाहते हैं, तो कीपू यूज कीजिए फोर्थ फ्रेट पे। ठीक है, फोर्थ फ्रेट पे कीबोर्ड यूज करेंगे तो कॉर्ड्स बन जाएगी, सी शार्प माइनर बन जाएगा ए माइनर, ए मेजर बन जाएगा एफ मेजर, और बी मेजर बन जाएगा जी मेजर। सिर्फ ये तीन सिंपल कॉर्ड्स है, ए माइनर, बी मेजर और एफ मेजर। तो सिर्फ ये तीन सिंपल कॉर्ड्स इसमें यूज हुई है, सभी सिंपल ओपन कॉर्ड्स हैं। मैंने सभी के डायग्राम आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप वहां से देख कर सीख सकते हैं। तो ये कॉर्ड्स हो गई, अब हम इसकी स्ट्रमिंग पर आते हैं। तो स्ट्रमिंग्स में स्टार्टिंग में जो यूज हुई है वो सिर्फ सिंपल डाउन स्ट्रोक्स यूज किए मैंने, नॉर्मल डाउन स्ट्रोक्स हर कॉर्ड्स पे। ठीक है, तो आप चाहे तो मेरी तरह नॉर्मल डाउन स्ट्रोक्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रमिंग भी यूज कर सकते हैं जो आगे जाके यूज की है, वो है डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। लेकिन ये स्ट्रमिंग आधी आधी यूज हुई है, जैसे ए माइनर पे होगी डाउन डाउन, बाकी की अप अप डाउन 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 अप, ये जी मेजर पे। फिर एफ पे डाउन डाउन, बाकी की अप अप डाउन 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 अप, ये जी मेजर पे। ऐसे चलेगा आधी 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 स्ट्रमिंग। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगी। और थोड़ी कोशिश कीजिएगा स्लो प्ले करें, जिससे गाने का थोड़ा फील आए। ये गाना थोड़ा स्लो सॉन्ग है, तो उसी तरीके से आप प्ले करिएगा, जिससे आपको थोड़ा और गाने में अच्छा लगेगा ये सॉन्ग। ठीक है, तो ये स्ट्रमिंग इसमें यूज हुई है, तो इसकी स्ट्रमिंग हो गई। अब हम इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं इस सॉन्ग को एक बार प्ले कर देता हूँ, आप देखिए कौन सी कॉर्ड कहाँ पे यूज हुई है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाना चालू होगा हमारा ए माइनर से, और आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी, स्टार्टिंग से अगर आप चाहें तो स्ट्रमिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बाद में यूज किए, तो आप देख लीजिएगा आपको जब यूज करना।
दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा सॉन्ग। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इजी सॉन्ग था और इजी लेसन था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। साथ ही दोस्तों अगर आप ऐसे ही ईजी और लेटेस्ट गिटार लेसन की वीडियोज और देखते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।